हेलो जी ग्रोस, मेरा नाम है जेल्स ट्यूब और आप सबका जेल्स ट्यूब में स्वागत है। आज इस वीडियो को आप आखिरी तक देखिए, क्योंकि आज इस वीडियो में मैं बताने जा रहा हूँ कि मैं जब गाने रिकॉर्ड करता हूँ और जब मैं गाने गाता हूँ तो मैं उसे रिकॉर्ड करने के लिए कौन सी चीज़ें यूज़ करता हूँ। और अगर उसके बाद आपको मेरा वीडियो अच्छा लगता है तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें और अपने दोस्तों के साथ शेयर करें। इस वीडियो को मैं 3 हिस्से में बांटने जा रहा हूँ। आज का वीडियो सबसे पहला भाग होगा और उसमें हम लोग ये बात करेंगे कि मैं क्या यूज करता हूँ अपने गानों को रिकॉर्ड करने के लिए, और दूसरे वीडियो में मैं आपको बताऊंगा कि आपको ये चीजें लेने चाहिए कि नहीं और क्या आप इससे भी अच्छा कुछ ले पाओगे इससे कम दाम पर, और तीसरे वीडियो में मैं बताऊंगा कि आप सबको ये चीजें यूज कैसे करनी है और सबको एक साथ कनेक्ट कैसे करना है। तो सबसे पहले हम पहले वीडियो पे आते हैं। आप सब देख सकते हो कि ये सारे चीजें हैं जो मैं अपने गाने को रिकॉर्डिंग करने के लिए यूज करता हूँ। तो अब इन सारे चीजों को हम साइड पे रखते हैं और एक एक करके इन चीजों के बारे में बातें करते हैं। तो सबसे पहले मैं बात करना चाहूंगा इस माइक के बारे में। इस माइक का नाम है BM-800 और इसे मैंने नहीं खरीदा था, भैया ने इसे 5-6 साल पहले लिया था और उस वक्त BM-800 मार्केट में काफी हिट था। अगर आज के दिन में इसे आप ऑनलाइन देखने जाओगे तो Amazon पर इसकी कीमत है केवल 1149। अब आते हैं हमारे दूसरे इक्विपमेंट पर और वो है ये XLR केबल। जी हाँ, क्योंकि माइक सीधा हवा से आपके कंप्यूटर तक कनेक्ट नहीं हो पाएगा, इसलिए ये वायर जिसे हम XLR केबल कहते हैं उसे आपको खरीदना होगा। यह कुछ कुछ माइक्स पर आपको फ्री मिल जाता है, पर BM-800 पर आपको ये फ्री बिल्कुल नहीं मिलता। तो इसे मैंने बनाया था 500 रुपया देकर एक लोकल स्टोर पर। इसकी खासियत क्या है और ये क्यों नॉर्मल माइक केबल से अलग है, ये आपको मैं तीसरे वीडियो पर बताऊंगा, तो बने रहे। अब इसके बाद हम आते हैं हमारे तीसरे इक्विपमेंट पर और उसे हम कहते हैं पॉप फिल्टर। ये एक मोनो का पॉप फिल्टर है, एक अच्छा कंपनी है और इसे मैंने लिया था 300 रुपये पर। अगर आप अभी जाओगे ऑनलाइन पर इसे लेने तो आपको मिलेगा ये 349 रुपीज पर। ये किस काम आता है और इसका खासियत क्या है ये आपको मैं थर्ड वीडियो पर बताऊंगा, ओके, तब तक बने रहे। इसके बाद आता है हमारा फोर्थ और सबसे इम्पोर्टेंट चीज अगर आपको गाना को रिकॉर्ड करके एडिट करना है। यह हेडफोन AKG कंपनी की तरफ से है, मॉडल नंबर है K92। इसका जो कान का हिस्सा है वो काफी बड़ा है और आपको कान पे आराम से फिट हो जाता है। इसे मैंने कुछ महीने पहले 3000 रुपये में लिया था और अगर आप अभी Amazon पे ऑनलाइन इसे देखने जाओगे तो ये केवल 2804 रुपीज में मिल रहा है। इस हेडफोन का जो एक्चुअल प्राइस है वो है 6000 रुपीज, तो एक काफी अच्छा बर्गेन है। एंड देन वी कम टू द फिफ्थ एंड वन ऑफ द मोस्ट इम्पोर्टेंट थिंग, एन ऑडियो इंटरफेस। जी हाँ, इस चीज का नाम है ऑडियो इंटरफेस। मैं जो यूज कर रहा हूँ उसका नाम है Focusrite Solo 2nd Generation। इसे मैंने 6-7 साल पहले लिया था और उस समय इसका कीमत जो था वो था केवल 9000 रुपये, और अगर आप अभी ऑनलाइन में देखने जाओगे Amazon पर तो इससे थोड़ा एडवांस्ड Focusrite 3rd Generation आपको अभी देखने को मिलेगा और उसका कीमत जो है वो है केवल 11,860। और उसके साथ आपको मिल जाता है ये वायर जो कि इसे आपको कंप्यूटर के CPU पर कनेक्ट करने में काम आ जाता है। तो ये सब है वो छोटी छोटी चीजें जो आपको एक गाना रिकॉर्ड करने के लिए काम आएगा। और सबसे मूल्यवान चीज जिसके बारे में हमने अभी तक बात ही नहीं किया वो है एक कंप्यूटर या एक लैपटॉप। जैसे एक टीम को एक साथ काम करवाने के लिए आपको चाहिए होता है एक टीम लीडर, ऐसे ही ये सब छोटी छोटी चीजों को अगर आप एक साथ काम करने देना चाहते हैं तो आपको चाहिए होगा एक कंप्यूटर या एक लैपटॉप, क्योंकि ये सभी चीजों को आप कनेक्ट करोगे एक कंप्यूटर पर और उसके बाद आपको मिलेगा वो रिजल्ट जो आपको चाहिए। तो मैं उम्मीद करता हूँ कि आप सबको पता चल गया कि आपका बजट कितना टाइट है और क्या ये सब आपके बजट पे गिरेगा। अगर आपको जानना है कि ये सब चीजें आपके बजट पे गिरती है कि नहीं तो वीडियो में पीछे जाइए और ऐड करिए सभी ऑनलाइन प्राइजेस को और देखिए कि वो आपके बजट पे आता है कि नहीं। अगर नहीं आता तो मैं बहुत ही जल्द 2nd वीडियो लेकर आऊंगा इसे सस्ती चीजें पर इनकी तरह काम करने वाली। और अगर आपको वीडियो अच्छा लगा तो चैनल को सब्सक्राइब करिए और बेल नोटिफिकेशन को दबा दीजिए, क्योंकि मैं ऐसी वीडियो लाता रहूंगा और हर संडे में एक सॉन्ग कवर अपलोड करता हूँ। अगर आपको वीडियो अच्छा लगा और अगर आपके मन पे कुछ भी क्वेश्चंस हो तो आप मुझे कमेंट पे क्वेश्चन कर सकते हैं और मुझसे कमेंट पे बातें कर सकते हैं। तो मेरा नाम है जेल्स ट्यूब, आज के लिए इतना ही, आपको मिलूंगा नेक्स्ट टाइम, तब तक के लिए बाय बाय।